वो है AIM का OAC, 15,000 करोड़ का आदमी है, आज तक हुकूमत ने कभी उसके यहाँ कोई ईडी नहीं भेजी। मामूली आदमी के यहाँ थाना पुलिस सब हो जाता है। हर पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा एक्सपर्ट है, इसने हाका लगाने वाले पाल रखे हैं। ये राजे महाराजे जो हुकूमत करते थे, जब शिकार के लिए निकलते थे तो उससे 2-3 दिन पहले हाका लगाने वाले भेज देते थे, जो जानवरों को, खासतौर से शेर को हाका लगा के एक खास इलाके में ले आता था और राजा उसका शिकार कर लेता था। आज भी ये, तो ये पैसा कहाँ से आया? ये हुकूमत जो है, इनको हुकूमत ने सबको डिप्यूट कर रखा है हाका लगाने के लिए। जो हाका लगाने वालों में एक और सबसे बड़ा है, वो है AIM का OAC, 15,000 करोड़ का आदमी है, आज तक हुकूमत ने कभी उसके यहाँ कोई ईडी नहीं भेजी। मामूली आदमी के यहाँ थाना पुलिस सब हो जाता है। तो याद होगा, सालार कहते थे टुट्टा खलम व कागज नहीं मिला। आज मजलिस के असासे 400 करोड़ से जायद है। अरे मैं आज सालार मिल्लत के कारनामों को बयान करते हुए कहता हूँ कि हमको टूटा खलम वो कागज नहीं मिला था, लेकिन आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के असासे 5,000 करोड़ से जायद के हैं। बिहार में 400 करोड़ के असासे थे तो नसीब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की खयानत में आज 4,000 करोड़ के असासे मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के हैं। होगा सालार कहते थे टुट्टा खलम व कागज नहीं मिला। आज मजलिस के असासे 400 करोड़ से जायद है। अरे मैं आज सालार मिल्लत के कारनामों को बयान करते हुए कहता हूँ कि हमको टूटा खलम वो कागज नहीं मिला था, लेकिन आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के असासे 5,000 करोड़ से जायद के हैं। में 400 करोड़ के असासे थे तो नसीब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की खयानत। इसमें के जो नेता हैं सो कॉल्ड, ये हाका लगाना शुरू करते हैं और शेर जो है वो एक खास इलाके में आता है और मार लिया जाता है। वो है AIM का OAC, 15,000 करोड़ का आदमी है, आज तक हुकूमत ने कभी उसके यहाँ कोई ईडी नहीं भेजी। मामूली आदमी के यहाँ थाना पुलिस सब हो जाता है।